हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जी गाइस, तो ये देखें, सुबह हम उठे हैं और उठने के बाद जो है ये मामा मुझे स्विमिंग पूल लेके आई हैं ब्रेकफास्ट के बाद। देखें, ये भी है, वो एडल्ट्स के लिए था, ये भी है और ये भी है। वो देखो ट्रैफिक दिखाओ, वो बस ट्रैफिक। और जो है ये हम मतलब ये जो है अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स नहीं है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आएंगे ना तो फिर हम इसमें जो है स्विमिंग करेंगे। क्योंकि जब बाबा थे कराची में, हम पीसी ठहरे थे तो वहाँ पे हम मतलब मैंने स्विमिंग भी सीखी थी और करती भी थी, लेकिन अभी बहुत साल हो गए उस बात को, तो अभी तो नहीं हम कर रहे। मतलब कि इतनी देर हो गई है हमने नहीं की, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आ जाएगी, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे करूँगी ज़रूर। आउच, वो नीचे पानी था तो उससे स्लिप थोड़ा सा होने लगी थी। ला 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 ला। जी गाइस, तो ये देखें, पिजन्स यहाँ से पानी पी रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है ये देखें। और मामा यहाँ पे जो है वो बता रही थी कि हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम पड़े हुए थे, लेकिन हम दुबई लाना जो है ना वो भूल गए उनको। जी गाइस, तो यहाँ पे हमने जकूजी में पाँव डाल लिए हैं, मामा को भी आप देख रहे हैं, वो इंजॉय कर रही हैं। ये बड़ा वार्म वाटर है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पाँव को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अभी हम जो हैं वो ग्लोबल विजिट दुबई जा रहे हैं और मैं आपको सारा विज़िट करवाऊंगी वो। और जो है ये हम कोई अरेबिक सॉन्ग सुन रहे हैं। ये हम जो हैं ग्लोबल विजिट के बाहर आ गए हैं, अब जो है वो पार्किंग की तरफ हम जा रहे हैं, फिर मैं आपको जो है वो अंदर का सारा विज़िट करवाती हूँ। ये देखें ग्लोबल विलेज का बोर्ड, और जो है वो अंदर जाके मैं अभी देखूंगी, बड़ा खूबसूरत सा फैंटेसी सा लग रहा है बाहर से देख। तो अभी जो है वो हम ग्लोबल विलेज आए हैं और मैं आपको विजिट करवाती हूँ आगे सारा ग्लोबल विलेज। ये इसकी जो है वो एंट्रेंस है, तो हम अभी जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। जी गाइस, तो हम कोई फ्री स्पेस ढूंढ रहे हैं मामा को बिठाने के लिए, तो मामा को बिठा दिया है हमने। और अब जो अभी हम जो हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं आगे। ये एंट्रेंस एरिया है। ये गेस्ट केयर सेंटर है। जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ अंदर से, तो फिर टिकट्स के बाद दिखाती हूँ। ये कड़क टी, कड़क चाय, और ये टिकट एरिया है। हमारी टिकट। ये एंट्रेंस, हम एंटर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा जी गाइस, तो ये यूके लंदन। आप बिल्डिंग्स चेक करें, आपको आगे बताएंगे भी कि ग्लोबल विलेज में क्या चीज़ देखने वाली है और ये क्यों स्पेशल है, और दुबई जब कोई आए तो ये ग्लोबल विलेज में ज़रूर क्यों आए। तो हमारे साथ बने रहें।
actually most of the nationalities which are living here, like Palestine, Turkey, Russia, India, Pakistan, they have their pavilions here, and inside they have depicted their culture, their famous products, food, clothing. Now, सबसे पहले टुर्की, ये टुर्की की बिल्डिंग देखें, ऐसे ही और कंट्रीज़ की भी बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी, अंदर से भी विज़िट करवाऊंगी। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं। कौन सा पीना है? अनार का? अनार का है? नहीं पाइन। ये यहाँ पे जो है ना, आपको चाहिए? ये यहाँ पे जो है ना, हर स्टेट मतलब कि हर कंट्री, स्टेट्स नहीं सॉरी, कंट्री जो है उनके वो मतलब के सारे बने हुए हैं। तो जो है जैसे सिस्टर ने बताया, तो जो है ना वो जिस जिस के अंदर जाएंगे ना, जैसे टर्की के टुर्की आया था और उसके अंदर हम आए हैं, तो उसका कल्चर सारा यहाँ पे। क्लोथ्स दिखाती हूँ टर्की वालों के। हमारे पाकिस्तान में भी ये वैसे मिल जाते हैं, बट मैं आपको जितना विजिट करवा सकूँ मैं चाह रही हूँ वैसे उतना करूँ। और ये मोस्ट फेमस टर्किश स्टाइल है। ये हमारा पाकिस्तान, अंदर से विजिट नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमें अपने कल्चर का पता है पहले से ही। यहाँ पे हम जो हैं वो स्पाइरल पोटैटोस खाने लगे हैं, और आपको आगे दिखाती हूँ कि ये कैसे बना रहे हैं। जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं यूएई, और यूएई के अंदर तो नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन आप इसकी बिल्डिंग चेक करें, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो है वो मैं अंदर इस वजह से नहीं गई क्योंकि मैं यूएई की ही एक स्टेट में हूँ अभी। तो अगले पार्ट में, पार्ट टू में, मैं सारे कंट्रीज़ को कवर करूँगी अंदर से भी, और आपको डीपली जो है वो सारा विज़िट करवाऊँगी। ये जो है, ये सिस्टर ने बताया कि बहुत लाइट सी कोई स्वीडिश होती है, तो इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि इस मामा को देखें। मामा ना हमेशा ऐसे ले लेती हैं व्हील चेयर, एक तो बहुत ज़्यादा इधर सफ़र है तो इतना ज़्यादा कर नहीं सकती, तो दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली काम भी हो जाते हैं। कि मुझे पसंद नहीं है कि वो व्हील चेयर पर बैठे, लेकिन जो है इतना चला नहीं उनसे जाता, तो फिर उनकी कंफर्ट के लिए जो है वो ज़रूरी है। ये वो स्वीडिश जो लाइट सी सिस्टर ने बताई है जैसे बन रही है। ये सीरिया है, और जिनको नहीं पता ये इसराइल जहाँ पे रहते हैं वो है। उसकी बिल्डिंग आप चेक करें,
कमेंट जरूर कीजिएगा आपको किसकी बिल्डिंग अच्छी लगी। ये हम सूर्या के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं इनका कल्चर, इनके कपड़े ये देखें। इनके क्लोथ्स चेक करें आप, नाइस। इनकी स्ट्रीट फूड, कोई कल्चरल शो होने लगा है तो हम जो हैं वो अंदर बैठकर देखने लगे हैं। ये जो है ये अमेरिका आ गया है, चेक करें उसकी बिल्डिंग, चेक करें अंदर अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम ये अमेरिका से बाहर आ गए हैं और यूरोप जा रहे हैं, चेक करें इसकी बिल्डिंग। ऑर्गेनिक में तो फ्राई मिला Yeah.
ट्रेन की स्ट्रीट फूड। मैजिक शो भी हो रहा है यहाँ, आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बैटरी से चलती है, 2 बैटरीज जो सेल होती हैं वही होती हैं और इसके अंदर लाइट्स चलती हैं। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। लबनान रशिया के बाहर ये देखे, हाय ऐसा कल्चर, ऐसी चीजें यूनिक यूनिक सी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप बताइएगा आपको कैसी लगी परफ्यूम्स। Wow, it's awesome. In the street food, the jewelry. China. Building dekhen. Andar se visit karati hoon. यहाँ पे भी खुल गया है सोदिया हेरिटेज रेस्टोरेंट भी है।
अभी मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। ऐसे ही अगली दफ़ा हम दोबारा आएंगे और डिटेल में आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं। होप सो आपको ये अपना व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। पार्ट टू के लिए भी ज़रूर देखते रहेंगे व्लॉग। एरिया आ गए हैं कहाँ पे? टिकट लेने जा रहे हैं। अच्छा टिकट जापान। अच्छा अभी हम कहाँ पे हैं? ग्लोबल विलेज। नहीं नहीं ये गेम जोन। कौन से गेम जोन? जापान रशिया क्या होता है ना बॉल। अच्छा क्योंकि जापान नज़र आ रहा है ना गेम्स में कोई पेविलियंस नहीं है। अच्छा अच्छा ले रही हैं टिकट और हम बैठने लगे हैं। पाकिस्तानी चली है रहमानिया उसमें। अभी हम जो है वो जा रहे हैं अफ्रीका, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सारे कल्चर दिखा रही हूँ देखने। हाय 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 मुझे तो लग रहा है कि मैं ना हर जो है ना वो कंट्री वहाँ पे आ गई हूँ। इतने खूबसूरत हर जगह की जो कल्चर है ना वो देखने का अपना ही मज़ा है। होप तो आपको बहुत मज़ा आए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा भी कमेंट मतलब आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट ज़रूर 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 1 वीक 2 वीक जब भी हम गए मैं सेकंड वीक पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी और डिटेल आप लोगों को सारी जगह जो है वो दिखाऊँगी। बहुत ही जो है ना दिल को सुकून मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम गेम्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से मैं गेम्स खेलूँगी। और कहते हैं वहाँ से कुछ विन भी करते हैं। सिस्टर ने भी किया हुआ है ये देखें। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जापान मैं जा नहीं सकी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट में जापान भी जाऊँगी क्योंकि चाइना तो मैं चली गई थी पर जापान नहीं मैं गई और ना थाईलैंड, ये दो जगह रह गई। तो ज़रूर ज़रूर अगले पार्ट में इन दोनों का भी विज़िट करवाऊँगी और डीपली हर जो जगह है उसका करवाऊँगी। 5 to 6 आवर्स के लिए हम यहाँ पर आएँगे और पूरा डीपली आपको सारा विज़िट करवाऊँगी। चाइना तो चलो चलते नहीं है, चलते चलते। ये विच आपको पीछे भी दिखाई है तो हमने सोचा कि हम भी इसके साथ वीडियो बना। ये वाली गेम मैं खेलने लगी हूँ, इसमें जो बॉल्स हैं उसके अंदर डालने। जी गाइस तो अब हम घर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बताइएगा कि आपको यहाँ का विज़िट कैसा लगा और कौन सा जो है
वो आपको कंट्री देख के अच्छी लगे। जी गाइस, तो जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि पार्ट टू भी मैं लेके आऊँगी, वो डिटेल्ड होगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और भी जो हैं प्लेसेस आपको विज़िट कराऊँगी और उसके लिए आपको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा और बेल आइकन तो लाजमी दबाना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।